पहले इनके बेटे का बर्थडे था, उसी में वो घर जा रहे थे, उसी दौरान उनको मुरारपुर के आसपास में कुछ अपराधियों ने गाड़ी और पैसे लूट के चक्कर में उनको गोली मार दी गई है। 60,000 रुपए शायद बैग में रखा हुआ था, वो भी लूट लिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर जिले के बर्रास थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री संचालक को गोली मारी गई है। लूटपाट के दौरान गोली मारने की वारदात हुई है। इस दौरान फैक्ट्री संचालक से मोबाइल, गाड़ी और 60,000 रुपए कैश लूट की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है, निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस भी जांच में जुट गई है। दरअसल फैक्ट्री संचालक हैं वो, पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर में उनकी फैक्ट्री है। बेटे का जन्मदिन था, इसी से घर लौट रहे थे, इसी क्रम में ये घटना को अंजाम दिया गया। पूरे मामले को लेकर परिजनों और डॉक्टर ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। घटना है कि मनोज पांडे हुए हैं, इनको आज गोली मार दी गई है मोतीपुर से आगे मुरारपुर के पास। ये अपने कारखाने से घर जा रहे थे। इनका बैरिया मुजफ्फरपुर चौबे टोला में स्टील फैब्रिकेटर कारखाना है इनका, और कल इनके बेटे का बर्थडे था, उसी में वो घर जा रहे थे। उसी दौरान उनको मुरारपुर के आसपास में कुछ अपराधियों ने गाड़ी और पैसे लूट के चक्कर में उनको गोली मार दी गई है। और उसके बाद हम लोग को पता चला है तो उनको ला करके हम जानकी हॉस्पिटल। कितनी गोली लगी है? गोली एक है। अच्छा। लगी है, डॉक्टर बता रहे हैं कि निकल चुकी है गोली। अच्छा, खतरे से बाहर है ना? खतरे से बाहर है। तो ये अक्सर मुजफ्फरपुर से आया जाया करते थे? जाते थे, दो दिन तीन दिन पे अगर कोई काम हुआ तो घर पे गए। अच्छा। क्या क्या चीज लूट हुई है इनके साथ? गाड़ी थी पल्सर और मोबाइल लूट हुई है और कुछ कैश था इनके बैग में। अच्छा। लगभग 60,000 के आसपास बता रहे थे, जो वर्कर को पेमेंट के लिए रखे हुए थे वो कलेक्शन करके। तो मुजफ्फरपुर से मनोज पांडे जी मेरे भाई हैं, उनका फैक्ट्री है मुजफ्फरपुर में चौबे टोला में। तो फैक्ट्री से अपने घर जा रहे थे, घर जाने के क्रम में जगह है एक पन्नापुर में कुछ अपराधियों ने उनका हाथ दिया रोकने के लिए। उन्होंने गाड़ी नहीं रोका, आगे जाकर गाड़ी लगा दिया और उतरते ही गोली मार दिया। गोली मार करके उनका बैग, पल्सर मोटरसाइकिल थे, मोटरसाइकिल और मोबाइल छीन लिया और ये कूद करके भाग गए। दूसरा गोली चलाए, ये निकल करके भाग गए। 60,000 रुपये शायद बैग में रखा हुआ था, वो भी लूट लिए। एक मनोज पांडे नाम के पेशेंट अभी हमारे अंदर आई सी हुए हैं हमारे हॉस्पिटल में। उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, राइट साइड ऑफ चेस्ट में, लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट में नाम लगी है। अब बाकी उनका एक्सरे सिटी स्कैन जांच वगैरह किया जा रहा है। ये स्थिति बताई जाए। कितनी गोली लगी हुई है तत्काल? तो एक गोली का स्थिति क्या है पेशेंट का? पेशेंट अभी काफ़ी क्रिटिकल है, इसमें उनका इलाज हमारे डॉक्टर जी के साथ। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, परिजनों ने बताया है कि क्या कुछ घटना हुई है। दरअसल वो बेटे के जन्मदिन पर घर लौट रहे थे, इसी दौरान बर्रास थाना क्षेत्र के मुरारपुर चौक के समीप की ये घटना है, जहां बाइक सवार दो बदमाश आते हैं और ओवरटेक करने का प्रयास करते हैं। जब ओवरटेक नहीं हो पाता है तो गोली मार देते हैं। इस दौरान जो फैक्ट्री संचालक है मनोज, वो गिर जाता है और उसके बाद बाइक, पैसे और मोबाइल फ़ोन लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है, अपराधियों के लिए छापेमारी की जा रही है, जल्द गिरफ्तार करने की बात पुलिस की ओर से कहा जा रहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।